हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पावर क्वेरी के हवाले से, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि पावर क्वेरी बेसिकली है क्या और पावर क्वेरी से हम क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम पावर क्वेरी के बारे में सीखेंगे। पावर क्वेरी क्या होता है, किस तरीके से हम अपने डेटा को मज़ीद यूज़फुल बना सकते हैं एक्सेल के अंदर, और ये एडवांस टूल हमें कितना फ़ायदा दे सकता है एक्सेल के अंदर, हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो पावर क्वेरी के बारे में हम जानने से पहले हम ये थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि पावर क्वेरी बेसिकली होता क्या है। पावर क्वेरी बेसिकली जो है वो एडवांस एक्सेल का एक टूल है जिसके अंदर हमें हम अपने डेटा को बहुत अच्छी तरीके से मज़ीद फिल्टर करके और मतलब उसको मज़ीद यूज़फुल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इससे हमारे पास जो है वो अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो इसको मतलब हम लोग इसको यूज़ करने के लिए कहाँ जाएंगे। सबसे पहले हमने, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक टेबल लिया हुआ है। इस टेबल के अंदर हमने जो है वो यहाँ पर देखेंगे टेबल डिज़ाइन के अंदर, यानी मतलब ये ऑलरेडी टेबल के अंदर कन्वर्ट हुआ हुआ है ना, यानी ये देखें टेबल, इसको नाम भी दिया हुआ है टेबल वन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले करना ये है कि हम डेटा टाइप के अंदर जाएंगे। हम डेटा टाइप के अंदर जाने के बाद फ्रॉम टेबल एंड रेंज कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक टेबल के अंदर है। मज़ीद डेटा सोर्सेज से भी आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो पावर क्वेरी के अंदर, बट यहाँ पर ऑलरेडी टेबल के अंदर है, तो हम यहाँ पर फ्रॉम टेबल एंड रेंज के अंदर क्लिक करेंगे। तो ये एक पावर क्वेरी का मॉड्यूल खोल देगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये खुल रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो ये पावर क्वेरी का एक विंडो ओपन हो गई है। पावर क्वेरी की विंडो ओपन करने के हवाले से जो है वो आप थोड़ा सा इसकी जो इंटरफेस है उसको ज़रा समझने की कोशिश करें। पहले हम थोड़ा सा इसकी इंटरफेस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम मज़ीद आज जो है वो 5 डेटा क्वेश्चंस के ऊपर काम करेंगे, जिसका हम सवाल भी इसी पावर क्वेरी से ही निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरफेस को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस के अंदर सबसे पहले ये जो एरिया है हमारा, ये वाला जो एरिया है, इस एरिए के अंदर जो है वो हमारे पास जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी की सारी क्वेरीज यहाँ पर शो हो रही होती हैं। ठीक है, यानी जो भी आपने वर्कबुक ओपन की हुई है उसमें जो भी टेबल्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे जब आप उसको टेबल से ओपन करेंगे। तो उसके बाद ये जो एरिया है हमारा, ये वाली जो रॉ है हमारी, ये जो है वो आपकी वो रॉ है जिसके अंदर हमें मतलब फार्मूला दिख रहा होता है इसका, क्योंकि वो पावर क्वेरी के अंदर जो है वो एम लैंग्वेज होती है, तो एम लैंग्वेज का जो फार्मूला होता है वो नॉर्मल एक्सेल के फार्मूले से थोड़ा सा चेंज होता है, और इसका जो डिटेल है वो कुछ और होती है। ठीक है, तो एक तो ये बात है, दूसरा ये कि यहाँ पर क्वेरी के सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर सारी की सारी आपकी जो अप्लाइड स्टेप्स हैं जो इस पावर क्वेरी के ऊपर आप लेकर जाएंगे वो सारे अप्लाइड स्टेप्स यहाँ पर शो हो रहे होते हैं इस एरिया के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंटरफेस है, यहाँ पर ऊपर टूल्स वगैरह हमें शो हो रहे हैं जो हमें ट्रांसफॉर्म कॉलम ऐड करने के लिए और व्यू वगैरह के लिए यहाँ पर जो है वो होंगे। अच्छा, जब भी मैं इस क्लिक करता हूँ कहीं पर भी, तो ये जो है वो एक वो बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाता है जिसके अंदर हमें उस वैल्यू का जो है, इस टेबल के जो सेल है उसकी वैल्यू यहाँ पर शो हो रही होती है। ठीक है, तो ये भी एक वो है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हम करने ये जा रहे हैं कि हमें यहाँ पर मतलब जो है वो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर करना है, वो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी गिवन है, एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम गिवन है, हमने उसके अंदर देखा है जैसे आप एचआर का जो डेटा को इंपोर्ट करते हैं तो आपके पास ज़्यादातर होता ये है कि एम्प्लॉय आईडी के अंदर सेगमेंटेशन हुई भी होती हैं कि जो शुरू के जो दो वर्ड्स हैं वो इस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं और आगे की जो वैल्यूज़ हैं वो इस चीज़ को डिनोट कर रही हैं। तो यहाँ पर लेट अस सपोज कि जो शुरू के दो वर्ड्स हैं ये अकाउंट सेंटर को डोनेट कर रहे हैं और ये जो है वो आगे की वैल्यूज़ किसी और चीज़ को डोनेट कर रही हैं। हमें अलग अलग कॉलम्स चाहिए इस वैल्यूज़ के हिसाब से, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर स्प्लिट करना है इस डेटा को ना। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल हमारे पास ये था डेटा क्वेश्चन के हवाले से कि हमें किसी ने डेटा दिया और कहा कि भाई इसको इस पावर क्वेरी को हमें स्प्लिट मतलब जो है वो हमें ये जो वैल्यूज़ हैं इनको स्प्लिट कर दो। तो हम अब स्प्लिट करने जा रहे हैं, हमने सिर्फ करना ये है कि हमने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के कॉलम को सेलेक्ट किया,
स्प्लिट कॉलम पे गए। अब नंबर, अब यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर स्प्लिट कॉलम्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बाय डिलिमिनेटर भी है, बाय नंबर ऑफ करेक्टर्स भी है, बाय पोजीशन भी है, बाय लोअर केस अपर केस भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी हमने यहाँ पर जो सवाल है हमारा वो ये है कि हमने ये दो डिजिट से वो करना है, तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ़ करेक्टर्स के हिसाब से कर लिया, बाय नंबर ऑफ करेक्टर्स। अब जब नंबर ऑफ़ करेक्टर्स पर क्लिक करते हैं तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स पे हमें ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ़ करेक्टर्स कितने हैं। अच्छा, यहाँ पर स्प्लिट्स के तीन ऑप्शन हैं। स्प्लिट के फर्स्ट ऑप्शन ये है वंस एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल, वंस एज फार राइट एज पॉसिबल और रिपीटेडली, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टू लिखना है और वंस एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल, तो यानी लेफ्ट साइड से टू डिजिट्स वो स्प्लिट कर देगा और बाकी की वैल्यूज अलग कर देगा। तो मतलब ये हम इसको जब टू करके ओके करेंगे तो वो क्या करेगा, वो एक एम्प्लॉय आईडी का कॉलम उसने क्रिएट कर दिया और एक एम्प्लॉय आईडी टू का कॉलम उसने क्रिएट कर दिया। अच्छा देखिए, एम्प्लॉय आईडी वन का जो कॉलम है, अब मैं इसको अकाउंट सेंटर का कॉल नाम दे देता हूँ, ठीक है। मैंने उसको गया ऊपर जो है वो दो दफ़ा क्लिक किया तो ये रीनेम करने का ऑप्शन दे दिया मुझे, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी टू को मैं जो हूँ एम्प्लॉय आईडी लिख देता हूँ सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ शो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है ये इसको मतलब 1 2 3 के मतलब उसमें सेगमेंट में दे रहा है। तो हमने इसको क्या करना है, हमने इसको 1 2 3 के बजाय हमने इसको टेक्स्ट वैल्यू के अंदर दे देना है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें इसको टेक्स्ट वैल्यू के अंदर ही लेकर जाना है, ठीक है। तो सिंपल ये है कि हम इसको मतलब वो कर देंगे। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास सवाल है कि हमें उसको फ़िल्टर करना है इस डेटा को। तो फ़िल्टर के अंदर आप देखते हैं, जब आपके पास कोई डेटा कहीं से आता है तो बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो बीच में नल फिगर्स आ रही होती हैं जो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको नल फिगर्स का तो कोई काम ही नहीं है आपके डेटा के अंदर। तो आप उसको फ़िल्टर किस तरीके से कर सकते हैं, और इधर पावर क्वेरी मोड के अंदर फ़िल्टर करने का फ़ायदा ये है कि एक दफ़ा आपने फ़िल्टर कर दिया तो फिर आपके जो स्टेप्स हैं जो यहाँ पर काउंट हो रहे हैं वन बाय वन जो स्टेप्स काउंट हो रहे हैं, तो हर दफ़ा जब भी आपका डेटा कॉल होगा तो उस पर ये स्टेप्स ऑलरेडी अप्लाइड हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब जो है वो है ऑप्शन है कि हम यहाँ पर एक दफ़ा अप्लाई कर देंगे तो वो ऑलरेडी स्टेप्स जो हैं वो सारे के सारे उसके अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसको फिल्टर कर दिया। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि लेट अस सपोज, अब ये यहाँ पर जो है वो स्टार्ट डेट आ रही है, मतलब जब ये एम्प्लॉय ने हमारे पास स्टार्ट किया था तो उसकी एक डेट आ रही है हमारे पास। तो इस स्टार्ट डेट से अगर मैं निकालना चाहूँ कि एज क्या थी इस टोटल एम्प्लॉय की एज क्या है, तो यहाँ पर पावर क्वेरी के अंदर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तीसरा जो हमारा वो सवाल है वो ये हो गया है कि इस स्टार्ट डेट से हमने एज निकालनी है, तो स्टार्ट डेट पर हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम ऐड कॉलम पर गए, ऐड कॉलम पर गए, हम डेट पर गए, डेट पर गए, हमने एज को कॉलम को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसने यहाँ पर एक कॉलम दे दिया एज का, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि स्टार्ट डेट से अभी तक के नंबर ऑफ़ डेज कितने हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ़ डेज भी वो यहाँ पर शो कर रहा है और टाइम भी यहाँ पर शो कर रहा है कि इसको इतने घंटे हो चुके हैं इन डेज़ के बाद, यानी डेज प्लस 14 आवर्स हो चुके हैं, ठीक है, 764 डेज प्लस 14.16 आवर्स। तो मैं इस डेटा को मेरे लिए मतलब फ़ायदेमंद नहीं है, उसकी वजह यह है कि मतलब ये डेटा जो है वो ज़ाहिर सी बात है मुझे तो एयर्स के अंदर चाहिए था या मुझे किसी और चीज़ के अंदर चाहिए था। तो मैं इसको डेटा को मज़ीद बेहतर अपने लिए बनाने के लिए हम यहाँ पर किस डेटा पे सेलेक्ट करते हुए ड्यूरेशन पे सेलेक्ट करेंगे और टोटल एयर्स सेलेक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है वो टोटल 2.9 ईयर्स हो गए, इसको 2.09 ईयर्स हो गए, 5.2 ईयर्स हो गए। अब यहाँ पर हम जो है वो मज़ीद इसको जो है वो मतलब ये आप समझ रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि आप इसको राउंड कर सकते हैं, राउंड अप करके थोड़ा सा वो कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ना करना चाहें तो यहाँ पर सिंपल ये है कि अप्लाइड स्टेप्स जो किए हैं ऑलरेडी वो जो है उसको बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारे पास तीसरा सवाल का आंसर हो गया, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था वो हमें उसकी एज निकालनी थी। फोर्थ क्वेश्चन जो हमने आज जो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर हमने करना है वो ये है, लेट अस सपोज कि हमारे पास यहाँ पर एफटीई जो एफटीई है वो 1 और 0.2 आ रहा है। अब देखें, हमारे पास एफटीई से हमने ये निकालना है कि ये एम्प्लॉयी जो है वो परमानेंट है, सॉरी फुल टाइम जॉब कर रहा है या फिर ये पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। तो अगर इसका 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये फुल टाइम है, और अगर इसके 1 से नीचे नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। तो हमें इस कॉलम से हमने एक कंडीशनल कॉलम क्रिएट करना है। तो हमने सिंपल ये करना ही है कि हम ऐड कॉलम पे जाएंगे,
कंडीशनल कॉलम सेलेक्ट करेंगे। कंडीशनल कॉलम सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कॉलम का नेम ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉलम का नेम ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर कॉलम का नेम ऐड करने के लिए पार्ट टाइम स्लैश फुल टाइम चाहिए। इस कॉलम नेम्स जो हमने FTE का कॉलम दिया था इज इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन देन फुल टाइम। अब यहाँ पर आप ऐड क्लॉज में जाकर के अगर आप ऐड क्लॉज करते हैं तो वो else if का ऑप्शन दे देता है और आप इसमें मजीद क्लॉज वगैरह ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इफ करके फुल टाइम लिख रहे हैं और एल्स करके जो है वो यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि एल्स जो है वो पार्ट टाइम होगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जो है वो पार्ट टाइम इसने किसको दे दिया, पार्ट टाइम इसने दे दिया कि 0.4 जिसके ऊपर आ रहा था वो पार्ट टाइम हो गया, 0.2 जिसके ऊपर आ रहा था वो भी पार्ट टाइम हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 0.1 वाले जितने भी हैं वो सारे फुल टाइम हो गए। ठीक है, तो इससे हमें मतलब हमारी लॉजिक जो है वो कन्फर्म हो गई। अच्छा, अब ये देखें ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर हमें इसका फार्मूला पूरा का पूरा दिख रहा है। ये वाली जो जगह है यहाँ पर हमें इसका फार्मूला पूरा का पूरा दिख रहा है कि किस फार्मूले के ऊपर इसने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। और यहाँ पर जो है वो इस जगह पर ये इसके स्टेप्स जो हैं वो अप्लाई हुए हैं। तो ये एड कंडीशनल कॉलम का स्टेप अप्लाई हुआ हुआ है कि ये कंडीशनल कॉलम का स्टेप क्या है। अगर हमें इसके अंदर कोई चेंजेस करनी है तो हम सिंपल ये गियर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये गियर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये दोबारा से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसके अंदर हम अगर कोई चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर भी चेंजेस कर सकते हैं डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर और यहाँ पर जो गियर के ऊपर क्लिक करके वही डायलॉग बॉक्स ओपन करके भी चेंजेस कर सकते हैं। लेट अस सपोज कि मैंने यहाँ पर जो एक पहले एक स्टेप अप्लाई किया था स्प्लिट कॉलम बाय पोजीशन के हवाले से, यहाँ पर मैंने जो कॉलम अप्लाई किया था मैं यहाँ पर उसको नंबर ऑफ 3 कर देता हूँ, तो वो उसी स्टेप को जा करके चेंज कर देगा, उसी स्टेप को जा करके चेंज कर देगा। और देखें पहले जो एम्प्लॉय आईडी थी वो PR थी सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैंने नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं वो 2 किए हुए थे। अब यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 2 हो गई है क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं वो 0.7 हो गए। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे 4 डेटा क्वेश्चंस के आंसर हो गए। अब पांचवा जो है वो हम एक मतलब थोड़ा सा डेटा को क्लीन करने के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब आप डेटा इंपोर्ट करते हैं तो आपके पास ज़्यादातर होता ये है कि आपके पास जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला जो रोमोना जो लिखा हुआ है इससे पहले एक स्पेस है। ठीक है, इस तरीके से एडिशनल स्पेसेस वगैरह आ जाते हैं आपके डेटा के अंदर। तो आप सिंपल करेंगे ये कि आप इसको राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद यहाँ पर आप ट्रिम और क्लीन ये दोनों चीज़ें आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिम और क्लीन दोनों चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिम पे आपने क्लिक किया तो स्टेप ऐड करके आप इसको इंसर्ट स्टेप करके इसको आप ऐड कर देंगे। ये देखिए आपने जैसे ही ट्रिम किया तो ये जो आपकी थोड़ा सा स्पेस आ रहा था आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप जो है ना वो ट्रांसफॉर्म करके क्लीन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपने क्लीन भी कर दिया। ठीक है, अगर कोई मजीद कोई वो होगी तो यहाँ पर हो चुकी होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर वो ऑलरेडी जो है वो कैपिटलाइज हैं प्रॉपर, मतलब जो टेक्स्ट है वो आपका प्रॉपर हुआ हुआ है, लेकिन अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करके अपर केस में करना चाहें तो सबको अपर केस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे 4 to 5 जो हैं वो क्वेश्चंस का आंसर आज हमने पावर क्वेरी से आंसर किया। और इसी पावर क्वेरी को यूज़ करते हुए हम जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं वो किस तरीके से करेंगे वो हम आगे आने वाली सीरीज़ के अंदर करेंगे। अच्छा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो जो है वो आगे आने वाली चीज़ें जो हैं वो भी आपके सामने अच्छी तरह से हो सकें। अच्छा, जब हम इसको क्लोज़ एंड अप्लाई कर देते हैं ना, ये देखिए यहाँ से हमने क्लोज़ एंड अप्लाई कर दिया तो उसने एक और जो है वो आपका ये टेबल 1 ओपन कर दिया, एक शीट बना दी। डेटा जो था वो हमारा ये था, एक शीट उसने ओपन कर दी टेबल वन के नाम से जिसके अंदर हमने जो स्टेप्स वहाँ पर किए थे वो सारे के सारे आ गए। अब लेट अस सपोज मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी मतलब जो है वो इसको क्वेरीज इन सेक्शन की कॉलम को क्लोज कर देते हैं, किसी भी टेबल के अंदर चला जाता हूँ, इसको मैंने यहाँ से डिलीट भी कर दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से डिलीट भी कर दिया, ये सारी चीज़ें हो गई शीट 1 शीट 2। अब यहाँ पर सिंपल ये है कि मैं डेटा पे जाऊँगा, क्वेरीज एंड कनेक्शन पे क्लिक करूँगा, टेबल 1 पे क्लिक करूँगा,
देख रहे हैं आप यहाँ पर टेप इस तरह से अपने क्वेरीज को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा यानी मतलब आप जब अगर डेटा देखेंगे तो डेटा के अंदर जो ये वाला कॉलम है ही नहीं, ये वाला कॉलम है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये वाला कॉलम पार्ट टाइम फुल टाइम इस वाले डेटा के अंदर, इस वाली शीट के अंदर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि ये ऑलरेडी जो स्टेप्स अप्लाई हुए हुए हैं, ये उस स्टेप्स को अप्लाई करके फ़ौरन यहाँ पर वो डेटा लेकर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा इसका फंक्शन पावर क्वेरी का। पावर क्वेरी को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? पावर क्वेरी को इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास कोई डेटा है जो हमें जिस पे हर दफ़ा चेंजेस वगैरह करनी पड़ती हैं, तो आप एक दफ़ा डेटा के अंदर चेंजेस अप्लाई करके उसके स्टेप्स बना लें, और स्टेप्स बनाने के बाद आप जब भी उस डेटा को कॉल करेंगे तो वो इसी तरह से डेटा कॉल हो जाएगा, आप उसके अंदर चीज़ें ऐड करते जाएँ, ठीक है। तो अच्छा, ये सिंपल ये है कि अभी अगर यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे मैं यहाँ पर एक मैं यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर शीट वन में मैंने उसको जा करके टेबल को जो डेटा है उसको ऐड करने की कोशिश करी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर देखिए ये वाला जो कॉलम है ये ऐड हो गया, क्योंकि ये टेक्स्ट फील्ड थी, इसने उसको वो डेटा यहाँ पर नहीं शो किया, ठीक है। 298000298 वो उसको नहीं शो किया, लेकिन यहाँ पर उसने डेटा को ऐड कर दिया है और इसके आगे भी फुल टाइम मेंशन कर दिया, क्योंकि ये वही वन की फिगर थी। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर इसको फुल टाइम को 0.2 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको फिर दोबारा जा करके रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर 0.2 हो गया और ये पार्ट टाइम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप एक दफ़ा कोई फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो वो अपने आप सारी की सारी जगहों पर हो जाएगा, स्टेप्स अप्लाई हो जाएंगे और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब जब मतलब आपको ये डेटा आपको जब 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 आप ये कॉल करेंगे तब तक ये डेटा खुद ब खुद मैनिपुलेट होकर के आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम पावर क्वेरी के हवाले से और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।